हेलो गाइस, वेलकम टू बैंक आईक्यू। जैसे कि आप सब जानते हैं, कल से बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस भी शुरू होने जा रही हैं। अभी फिलहाल हम वीक के हर मंगलवार और शुक्रवार को ये क्लासेस होंगी। इवनिंग के अंदर ही आपका वीडियो आ जाएगा बैंक आईक्यू के यूट्यूब चैनल के ऊपर। एंड लेकिन कल वीडियो आने से पहले आज मेरा मेन मोटो यही था कि एक इंट्रोडक्टिव पार्ट हो जाए कि हम पूरे इस सीरीज़ के अंदर, बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर, हम किन किन टॉपिक्स को पढ़ेंगे और हमारा क्या मोटो रहेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो जीए का पार्ट रहा है वो 40 मार्क्स का रहता है, जिसके अंदर हमारे करंट अफेयर्स, और स्टैटिक पार्ट भी आ जाता है, और बैंकिंग अवेयरनेस। इन तीनों से लगभग 40 मार्क का क्वेश्चन था और काफ़ी वेटेज है इनका। तो तभी मैं एक मास्टर प्लान लेके आपको चल रहा था कि हम इस सीरीज़ में क्या क्या करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मोहित सित्या। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आपको वीडियो के एंड में आपको मैं जो भी हैंडल्स होंगे, अकाउंट होंगे, मैं आपको बता दूँगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे व्हाट इज़ बैंक। बैंक क्या है, बैंक के क्या प्रोसेस होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, और टाइप्स ऑफ बैंक। टाइप्स ऑफ बैंक्स में जैसे सेंट्रल बैंक हो गया, और कमर्शियल बैंक, प्राइवेट बैंक्स हो गए, जितने भी बैंक्स के टाइप्स हैं वो हम इस लेक्चर में करेंगे। तो उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ बैंक। हिस्ट्री ऑफ बैंक मीन्स कि जैसे कि हम सब जानते हैं SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमारा इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है इस टाइम पे। और SBI काफ़ी बैंक के मर्जिस से बना हुआ है, काफ़ी सारे बैंक मर्ज हुए, यानी SBI बना था। जैसे सबसे पहले मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास हो गया, बैंक ऑफ बॉम्बे, देन उसके बाद ये इम्पीरियल बैंक के नाम से भी जाना जाता था। फाइनली लास्ट में इसका नाम SBI रखा था, SBI बना था। बेसिकली पूरा हिस्ट्री ऑफ बैंक के अंदर आ जाएगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज हमें एग्जाम प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग ही काम करना है। जितने भी हम उसी अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं करेंगे, वो हम हिस्ट्री ऑफ बैंक में यहाँ पढ़ेंगे कि मतलब बैंक कब बने, ये हम इस लेक्चर में करेंगे। उसके बाद हमारा अगला आ जाता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में सब कुछ है, हमारा जितने भी बैंक्स की नब्ज़ है सारी हमारे रिज़र्व बैंक इंडिया ही हैंडल करता है। और इसके अंदर हम करेंगे RBI कब बना, और इसके हेड ऑफिस कहाँ है, रीजनल ऑफिस कहाँ है हमारे, और इसके गवर्नर कौन है, और कितने डिप्टी गवर्नर है हमारे इसमें, या जो हमारी इनकी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम्स होती हैं, ये सब कुछ हम इसमें करेंगे। और बस के फंक्शंस भी करेंगे, RBI के फंक्शंस क्या हैं वो भी हम इस लेक्चर में करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो है पॉलिसी रेट्स एंड रिवर्स रेशियोज। इसके अंदर हम करेंगे हम बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और CRR, जैसे कि कैश रिजर्व रेशियो हो गया, SLR हो गया, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको हम पढ़ेंगे। और अगला हमारा टॉपिक आता है मॉनेटरी पॉलिसीज। इसमें हम क्या करेंगे, जो मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया उसको हम डिस्कस करेंगे कि हमारी इंडिया की क्या मॉनेटरी पॉलिसी रहती है। हर कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी रहती है, हर कंट्री का जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जो मॉनेटरी कंट्रोल होता है, वो एक सेंट्रल बैंक के हाथ में होता है। जैसे जो इंडिया के अंदर RBI के हाथ में, इससे कंट्रोल है पूरा। और मॉनेटरी कमेटी भी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी होती है, और इस कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और फंक्शंस,
इसके अलावा जो मॉनिटरी ऑपरेशंस की टेक्निक्स होती है वो भी हम करेंगे इसमें। और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी, बेसिकली ये हम इसलिए यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। जो मनी फ्लो होता है किसी भी इकोनॉमी का, किसी भी कंट्री का मनी फ्लो, उसको कंट्रोल करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी यूज़ करते हैं। और इसके बाद हमारा जो अगले टॉपिक्स रहेगा अकाउंट्स। जैसे कि हम सब जानते हैं 3 से 4 तरह के अकाउंट्स होते हैं, सेविंग अकाउंट्स हो गया और करंट अकाउंट्स हो गया, सेविंग अकाउंट्स हो गया, करंट अकाउंट्स हो गया, FD फिक्स डिपॉजिट, RD हमारा हो गया रिक्यूरिंग डिपॉजिट, इसको भी हम करेंगे। और ऐसे ही अकाउंट्स के साथ साथ हमारा एक अगला आएगा टाइप्स ऑफ बैंक कार्ड। अधिकतर हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, मेनली बैंक के अंदर यही यूज़ होते हैं, डेबिट टू डेबिट, डेबिट और क्रेडिट। बट डेबिट के इसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स हो जाते हैं, जैसे डेबिट के अंदर आपका हो गया रुपए कार्ड, हो गया वीज़ा, मेस्ट्रो, काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद आती है बात फंड ट्रांसफर टेक्निक्स। फंड ट्रांसफर टेक्निक्स के अंदर जैसे कि IMPS हो गया, NEFT हो गया, RTGS हो गया, IMPS, NEFT, RTGS, UPI एप्लीकेशन भी हम जो यूज़ कर रहे हैं, और बेसिकली इन सब के ट्रांजैक्शन मोड्स के इनकी लिमिट्स होती है, हर किसी की लिमिट्स होती है। जैसे IMPS में आप 50,000 तक कर सकते हो डेली का ट्रांजैक्शन होता है, तो पूरा हम इनको डिस्कस करेंगे किसी क्या क्या लिमिट्स होती है और इसको हम कब कब यूज़ कर सकते हैं। इसमें से कुछ ऐसे मोड्स में जो हमारे वर्किंग ओवर्स पे काम करते हैं, कुछ इसको पर्टिकुलर लिमिट होती है, टाइम लिमिट्स होती हैं। और इन टेक्निक्स के साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे IFSC कोड, MICR, स्विफ्ट कोड जो कि हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, MMID भी यूज़ पढ़ेंगे इस। और इसके बाद आता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसे हम FEMA के नाम से जानते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी बैंक एग्जाम्स आपको ये करना होगा। और FEMA के अंदर जो टर्म्स आएंगे हमारी NRI हो गया, और NRO, NRE, और हमारा हो गया PIO, PIO बोले तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स, NRI, ये हम इसमें यूज़ करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जो वर्ल्ड बैंक और IMF, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड। वर्ल्ड बैंक का क्या काम है, IMF का क्या काम है, और इसके अंदर हम RRB, NABARD, ये टर्म्स भी हम देखेंगे इसी लेक्चर के अंदर, इसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर ही करेंगे कि क्या NABARD का काम है और RRB का क्या काम है, वो भी हम इसी में लेक्चर में करेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा सोशल वेलफेयर स्कीम्स। सोशल वेलफेयर स्कीम्स के अंतर्गत जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जितनी भी ऐसी इससे रिलेटेड स्कीम्स होंगी वो हम इस लेक्चर में करेंगे। और ये थी हमने जो एक मास्टर प्लान बनाया उसके अंदर कुछ एक पार्ट है ये, और इसके साथ कुछ बजट के बारे में बात करेंगे और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में बात करेंगे और फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेश जिसे हम हिंदी में कहते हैं, इन सब के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। एंड ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में करें ताकि हम फैमिलियर हो जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं। एंड सबसे एक बात और भी आपको बताना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनको सब कुछ इनके बारे में पता होगा, एंड क्योंकि हम भी काफ़ी स्क्रैच से स्टार्ट करें, शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको ये भी लगे तो मुझे सब आता है, बट हमारा मेन मोटिव हम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करने जा रहे हैं। तो ये मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिसमें जो हमारा ऑफिशियल हैंडल है मेरा, यह है टेलीग्राम का, अगर आप मुझे कोई सजेशन करते हैं, जितनी PPT या PDF होंगे मेरे सारे इसी टेलीग्राम ग्रुप पे ही आएंगे। सोशल मीडिया हमारा ये हो गया, मेरा इंस्टाग्राम है, ये फेसबुक का है,
अगर आप सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो इस इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट पे या ऑफिशियल अकाउंट है मेरे टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, और कोई भी सजेशन या कमेंट्स करना चाहते हैं तो आप मुझे भी पर्सनल मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, इन पे भी सभी पे सेंड कर सकते हैं। तो आई होप गाइस मिलते हैं हम कल की वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।